पत्रिका के विशेष कार्यक्रम ब्यूटी टिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चेहरे पर पड़ने वाले रूखेपन की और ड्राइनेस की। मेरे साथ में है ब्यूटिशियन हर्षिता, जिनसे जानते हैं कि किस तरह से चेहरे की ड्राइनेस और रूखेपन को दूर किया जा सकता है। बेसिकली हमारी जो ड्राई स्किन है वो सबसे ज्यादा विंटर्स में ही होती है। अब ड्राई स्किन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए हमें। विंटर्स में हमें ईचिंग, इरिटेशन, लाइक ड्राइनेस बहुत ज्यादा फील होती है स्किन पे, फेस पर, तो हमें उसके लिए मॉइस्चराइजर का सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। और आप शिया बटर की क्रीम को ले सकते हैं, आलमंड की क्रीम को भी ले सकते हैं, जिसमें नरिशमेंट ज़्यादा हो। अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए नरिशमेंट की हमें ज़रूरत होती है। और डेली यूज़ में हमें CDMP यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा मस्त है हमारी स्किन के लिए। हम क्या करते हैं, कोई क्रीम लिया, लगाया और चल दिया, प्रोटेक्शन नहीं लगाते। उसके ऊपर SPF की सबसे ज़्यादा नीड होती है। हमें SPF बहुत यूज़ करना चाहिए स्किन पे, सबसे ज़्यादा रेगुलरली बेस पे यूज़ करना चाहिए हमें SPF। मॉइस्चराइजर का एक वर्क करता है, एक स्मूथनेस देता है आपकी स्किन को, एक नेचुरल शाइन देता है आपकी स्किन को SPF। और हम लोग जो यूज़ करते हैं, इन सलून्स की आप बात करते हैं, तो सलून्स में लाइक आपको एक पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, डीपली ट्रीटमेंट दिया जाता है स्किन पे, ताकि आपका नरिशमेंट बना रहे, वो वन मंथ तक स्टे करता है। यही सब चीज़ें हैं हमारी जो नरिशमेंट के लिए हमें करना चाहिए। बेसिकली हो आप होम करना चाहें तो होम पे हनी ज़्यादा यूज़ करें, हर्बल के लिए हनी ज़्यादा यूज़ करें आप, बस यही चीज़ होता है आपके नरिशमेंट के लिए। मेरे साथ में थी ब्यूटिशियन हर्षिता, आज इन्होंने बताया कि किस तरह से चेहरे की ड्राइनेस को और रूखेपन को दूर किया जा सकता है, किस प्रोसेस के तहत जो चेहरे पर ड्राइनेस हो जाती है उसे रिमूव किया जा सकता है। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप टाइप कर सकते हैं www.patrika.com। निर्मल राजपूत, पत्रिका TV, मथुरा।